कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी थी यार तो आज सुन ली। अब लोगों को तो कुछ ना कुछ बोलना ही है, फिर चाहे वो आपके फेवर में बोले या फिर नहीं। और ये ना सबसे ज्यादा होता है हमारे डियर सेलिब्रिटीज के साथ। अब ये तो आपको पता ही है कि हाल ही में रणबीर कपूर आलिया भट्ट के घर लक्ष्मी आई है, यानी कि आलिया और रणबीर की बेटी हुई है, जहां इस खबर ने सभी को खुश कर दिया है। और नए पेरेंट्स के लिए हर तरफ से कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं, जहां नीतू कपूर दादी बनकर बहुत खुश नजर आ रही है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सभी के सभी अपने सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्ग्रेचुलेशंस करते दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां भी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को ना ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे। जी हाँ, और उनमें एज यूजुअल टॉप पर है वो नाम जो हमेशा अपने ओपिनियंस या फिर कहूँ अतरंगी ओपिनियंस बताने में आगे रहता है। वेट, कंगना रनौत तो नहीं सोच रहे ना यार आप? नहीं यार, इस बार कंगना रनौत नहीं है, KRK उर्फ कमाल आर खान भी हो सकते हैं। तो जैसे सबने आलिया रणबीर को बधाई दी, वैसे ही खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले KRK ने भी दी, लेकिन अपने स्टाइल में। यानी इस तरह की बात बोल दी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के फैंस गुस्सा हो गए हैं। अब ट्विटर पर लोग कमाल आर खान को जमकर सुनाने लगे हैं। तो KRK ने अपने ट्वीट में साथ ही महीने में आलिया भट्ट के मॉम बनने पर लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, कमाल आर खान ने इस ट्वीट में लिखा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को साथ ही महीने में एक प्यारी सी बेटी के प्राउड पेरेंट्स बनने पर बधाई। मतलब कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया और साथ ही महीने वाली बात बोलकर कहीं ना कहीं शायद उन्हें ट्रोल भी कर दिया, जो कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के फैंस को काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा। और ये देखते ही एक सोशल मीडिया यूजर ने लिख दिया, तेरी क्यों जल रही है, कम से कम उन्होंने अपनी इमेज के लिए बच्चे को अबोर्ट नहीं किया। और कई बार ऐसा होता है कि दो में से एक पेरेंट्स प्रेगनेंसी को सुनकर अपनी इमेज बचाने के लिए दूसरे को छोड़ देता है, कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट किया और शादी कर ली। वहीं एक यूजर ने लिखा है, बेशरम हो तो। वहीं किसी और यूजर ने यह भी लिखा है कि बच्चा 7 महीने में हो या फिर 9 महीने में, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। ऑल इन ऑल ना, सभी को KRK का ट्वीट बिल्कुल पसंद नहीं आया और सबने अपनी तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सुनाया, जिसके बाद KRK भी चुप नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कुछ इडियट्स क्यों यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। यहाँ लाखों ऐसे बच्चों का जन्म होता है जो प्री मेच्योर होते हैं, ये नॉर्मल है। वेल, इसके बाद तो क्लियरली डैमेज कंट्रोल करना काफी मुश्किल था और लोग उन्हें फिर भी सुनाते ही रहे हैं। इसी के साथ आपको बता देती हूँ कि अभी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और पूरा का पूरा कपूर खानदान ना काफी सेलिब्रेटरी मूड में है और इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने इसी साल 14 अप्रैल को शादी की थी और सभी फैंस को काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को काफी सालों तक लंबे वक्त तक बल्कि डेट किया था। किसी ने भी इतनी जल्दी उनकी शादी एक्सपेक्ट वैसे की नहीं थी, लेकिन हो गई। बाकी जैसे ही उनकी बेबी गर्ल की न्यूज सामने आई, आलिया भट्ट ने थोड़ी देर में ही अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस गुड न्यूज को भी अनाउंस कर दिया था और एक बहुत ही क्यूट सा पोस्ट डाला था। ऑफ कोर्स उसमें बेबी की फोटो तो नहीं दिख रही थी, बट होपफुली जल्द ही आलिया भट्ट इस पर भी कोई ना कोई अपडेट जरूर देंगी। बाकी अभी के लिए तो लगता है कि KRK का इवन कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट भी उनके फेवर में नहीं रहा है। आप इस ट्वीट के बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही और एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए देखते रहना यू ही ENT Live।